जहां एक तरफ हर किसी ने मिलके अभिनव शुक्ला को ले लिया था हल्के में, बता दूं आपको कि इस समय कर दिया गया है उन्हें ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। भाई, कई चीजें ऐसी होती है जिसे देख कर बड़ा शॉकिंग लगता है, और पहली बार बिग बॉस के घर में 3 अक्टूबर से लेकर आज 30 दिसंबर तक होगी, क्योंकि आज का तो वाकई हो चुका है, पहली बार अभिनव शुक्ला अकेले अपने नाम पर ट्रेंड कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि विकास गुप्ता ने कहा था आसिम रियाज को लेकर कि वो आसिम रियाज को बहुत पसंद करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। अब इस तरह की बात कहने के बाद जिस पर जिस तरीके से रिएक्शन अभिनव शुक्ला ने दिया था, इस बात को लेकर खफा हो चुके थे आसिम रियाज के फैन, और अलग अलग तरीके की बातें करनी शुरू कर दी थी अभिनव शुक्ला के बारे में कि थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, अभिनव शुक्ला ऐसा है, अभिनव शुक्ला वैसा है। वेल, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे जहां एक तरफ आसिम रियाज की फैन फॉलोइंग ने तगड़ी यहां पर जो है अपनी एकता दिखाई, लेकिन इसी बीच अभिनव शुक्ला के लिए भी एक आर्मी खड़ी हो गई है। जी हाँ, बता दूं आपको कि इस समय सोशल मीडिया पर आई स्टैंड फॉर अभिनव शुक्ला ये ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हुई, लोगों ने उनके लिए गलत गलत बोलना शुरू किया, लोगों को ये चीज हर्ट हुई, और स्पेशली अभिनव फैंस के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, और अभिनव फैंस ने तुरंत ही एक ट्रेंड चलाना शुरू किया जिसमें था हैशटैग आई स्टैंड फॉर अभिनव। वेल, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम आई पर्सनली लाइक इट कि यार फाइनली इन 3 महीनों के अंदर अंदर एटलीस्ट अभिनव शुक्ला ने अपने नाम पर पहला ट्रेंड, तो अपने पहला हैशटैग जो है अपने नाम पर किया, इकलौते विदाउट एनी रूबीना के नाम के। वेल, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं आसिम रियाज वर्सेस अभिनव शुक्ला में से किसको? राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।